नमस्कार किसान भाइयों, आज 24 मार्च सन 2020 है। मैं आपको अपने घर के एक पौधे की वीडियो दिखा रहा हूं। दोस्तों, इस पौधे पे कई हज़ार फूल थे अब से कुछ महीने पहले, लेकिन तीन बार ओलावृष्टि होने की वजह से लगभग सारा फूल इसका झड़ गया और दोबारा अभी जो लगभग 10 दिन पहले फूल बच गया था उसका थोड़ा ही फल इस पे बन पाया है। नहीं तो मुझे उम्मीद थी इस पे मैं आपको कम से कम 300 से 400 नींबू दिखाता। तो अभी जो है मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये 24 मार्च सन 2020 की कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है पूरे भारत के अंदर। मैं सभी अपने मित्रों से, किसान भाइयों से और इस वीडियो चैनल वालों से, को देखने वाले भाइयों से यही अनुग्रह करूंगा कि सरकार के निर्देशानुसार अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि 15 दिन का लॉकडाउन ये रहेगा मुझे ऐसा लगता है। इसके अंदर जो कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं वो ट्रेस आउट हो जाएंगे और फिर ये लॉकडाउन पूरी तरह से शायद खुल जाए। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ अभी आपको हमारा नींबू का साइज़। एक तो देखिए किसान में भाइयों, ये नींबू ऐसे अपने आप ही पीला पड़ता है, हमें किसी तरह के आर्टिफिशियल हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये नींबू, ये छोटा नींबू हर एक साइज़ इस पे मिलेगा। बारहमासी की ये पहचान है। ये देखिए, ये भी अलग अलग साइज़ के नींबू हैं। ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है इस बार, नींबू की फसल काफ़ी महंगी होने वाली है इस बार। नींबू के किसान जिनके पास भी पौधे पे फल बच गया है काफ़ी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल भी इस पौधे पे मेरे लगभग 100 से 200 नींबू हैं जो कि काफ़ी ओला गिरने के बावजूद भी। ये नींबू है देखिए, और इसको मैं तोड़ता हूँ अभी ये, और इसको हम अभी आपको काट के दिखलाएंगे। एक महीने बाद इस पे और वीडियो बनाएंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट जो नींबू तैयार हो चुके हैं उसको दिखाएंगे। अब मैं अपने बेटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैमरा होल्ड करें और मैं ये नींबू आपको ताकि काट के दिखा सकूं। ये हमारे घर में खिले हुए सुंदर सुंदर गुलाब के फूल हैं जो कि नवरात्रों में माता रानी के चरणों में चढ़ाए जाएंगे। आप देख सकते हैं ये रोज स्पेशल खाद इसमें हमने डाली है, तो फूल और फल की, फ्लावर की मात्रा देखिए गुच्छे में कैसे एक ही डाली है। इस पे 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फूल हैं और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्लावर्स हैं इसके अंदर। तो ये नींबू हमने तोड़ा है अभी, तो अब हम इसको आपको काट के दिखाते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, एक तो आप इसका साइज देखिए, कैमरे को पास में लेके आओ, पहले साइज दिखाओ। काटने के बाद ही अपने आप ही टपकना शुरू हो चुका है, आप देखिए। तो ये 35 ग्राम के आसपास का नींबू है जो बाजार में सबसे महंगा बिकता है। बारीक छिलका है इसका, बहुत ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं होता है, अच्छा बारीक छिलका है इसका। इसकी शेल्फ लाइफ भी 15 से एक महीने के बीच में है, और अगर आप इसको प्रिजर्व करते हैं तो कई महीने ये आपको जो है अच्छा रस देने में सक्षम है। यही नींबू है जिसे विदेशों में गोल्डन लेमन के नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ कागजी बारहमासी नींबू के नाम से जाना जाता है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। तो बीज इसके अंदर होता है, बिना बीज के नींबू की मार्केट बहुत अच्छी नहीं है, हिंदुस्तान में तो बहुत ही कम है, सिर्फ प्रोसेसिंग में वो यूज़ होता है। तो सीडलेस नींबू ना लगाएं। पाकिस्तानी नींबू, कुमकाट नींबू, N69 के नाम से बाजार में बिकने वाले नींबू को ना लगाएं। सरकारी वैरायटीज़ अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी समस्याएं हैं मित्रों, क्योंकि हमने पहले सरकारी वैरायटी पे काम किया था पंथवन पे, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हैं। और नागपुर रिसर्च सेंटर के भी जो वैरायटीज़ हैं, हमारी
नॉर्थ इंडिया के अंदर तो मॉइस्चर कंटेंट सोइल के अंदर ज़्यादा होने के वजह से सक्सेसफुल नहीं है, यहाँ ओवरसाइज हो जाती है। तो सिर्फ ये वैरायटी ही सक्सेसफुल है जो हमने रिसर्च की, एनालाइज किया, सभी जगह पौधे लगा के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ की। ये नींबू लगभग 35 से 40 ग्राम तक जाता है और इसी साइज़ के नींबू की हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो ये ही नींबू आप लगाएं, कागजी बारहमासी या गोल्डन लेमन के नाम से। और बीजू पौधा लगाने से बचें, क्योंकि बीजू पौधा जो है वो मल्टी एम्ब्रियोनिक होता है, उसके अंदर कई सारे भ्रूण होते हैं देसी भाषा में अगर कहें, और बीज बोने के बाद में कोई भी भ्रूण जर्मिनेट हो सकता है। तो सीट्रस के अंदर सीड वाला पौधा लगाना समझदारी नहीं है। सारे पौधे जितने भी तैयार होते हैं सीड से वो अच्छे नहीं होते हैं, कुछ ही प्रतिशत अच्छे होते हैं। तो आप ग्राफ्टेड पौधा लगाएं। और सीट्रस के अंदर हमारे नींबू की अगर हम बात करें तो सिर्फ एयर लेयरिंग, जिसे गुट्टी वाला पौधा कहते हैं, वही सक्सेसफुल है। इसमें बर्ड ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं है। बीजू पौधा मल्टी एम्ब्रियोनिक होने की वजह से अच्छा नहीं है। और दूसरा, उस पर फल भी 4 साल के बाद ही आता है, जो कुछ लोग इस तरह क्लेम करते हैं 2 साल में फूल आ जाता है, तो ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपको 4 से 6 साल के अंदर फल लेना है तो बीजू पौधे पर जाएं, उसकी गारंटी भी नहीं होगी, कुछ भी उसके अंदर से निकल सकता है। मेरे पास पूरे भारत से संपर्क में है किसान लोग, और ये मैंने देखा है, उनसे सुना है, उनका दर्द देखा है कि वो जो इधर उधर से उन्होंने नींबू खरीदा, वो सब मोटा नींबू निकलता है, 5-10 रुपये किलो से ऊपर नहीं बिकता है। सिर्फ ये गोल्डन नींबू है, गोल्डन लेमन है, इसी की मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसी को लगाएं, इसी को लगा के सबसे अच्छा लाभ मिलता है। अब मैं इसका रस आपको दिखाता हूँ निकाल के, आप ये देखिए, इसमें लगभग 70% तक रस होता है मित्रों। ज़ूम आउट कर रखा है मैंने, हाँ ज़ूम आउट कर रखा है मैंने। तो ये कागजी बारहमासी नींबू, इसी की मार्केट वैल्यू है, इसी को आप लगाएं, इसी को लगा के आपको धन लाभ होगा। मेरी इसी शुभकामना के साथ कि मेरा यह संदेश आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।